वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आशा मेहता यूट्यूब बाल मंदिर से और आज हम व्यवसाय अध्ययन के पार्ट तीन के टॉपिक भारत में आर्थिक पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि आर्थिक पर्यावरण क्या होता है। ये वर्ड शायद आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, आर्थिक पर्यावरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। आर्थिक पर्यावरण का मतलब होता है वो सारे तत्व जो किसी कस्टमर को या किसी उपभोक्ता को कोई चीज खरीदने के लिए प्रभावित करते हैं, वो सारे बाहर के तत्व जो किसी उपभोक्ता या संस्था को कोई चीज खरीदने के लिए प्रभावित करते हैं, वो सारे आर्थिक पर्यावरण के तत्व होते हैं या वो सारे आर्थिक पर्यावरण होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे भारत में आर्थिक पर्यावरण में उत्पादन के साधनों एवं धन के वितरण से संबंध रखने वाले ये तत्व है। यानी जो भारत में जो सारे उत्पादन के साधनों यानी उत्पादन के जितने भी साधन है, यानी उत्पादन करने के जितने भी तरीके या उसके जो संसाधन है एवं जो धन को वितरण किया जाता है, धन को बांटा जाता है, उससे जुड़े हुए कुछ तत्व है। जब भी धन को बांटने की बारी आती है तो उससे कुछ तत्व है, उसके बारे में पहले सोचा जाता है, उसके बाद ही धन का वितरण किया जाता है। तो पहला है देश के आर्थिक विकास की स्थिति। जब भी धन का वितरण किया जाएगा तो देखा जाएगा सबसे पहले कि देश की आर्थिक विकास की स्थिति कैसी है, यानी देश का आर्थिक विकास किस लेवल तक हो रहा है। जैसे आज आर्थिक विकास जो है देश का काफी ऊपर नीचे हो गया है। कोरोना आने की वजह से देश का आर्थिक विकास बिल्कुल बिगड़ गया है। लोग जो है और बेरोजगार होते जा रहे हैं, गरीबी और बढ़ती जा रही है। तो ये देश के आर्थिक विकास की स्थिति कैसी है, यह आर्थिक पर्यावरण का मेन हिस्सा है। आर्थिक पर्यावरण का मेन यही हिस्सा है कि देश के आर्थिक विकास की स्थिति कैसी है। जैसे ज्यादा बेरोजगारी है, ज्यादा गरीबी है, ज्यादा भूखमरी है, तो ये सब चीजों को देखा जाता है। सरकार की आर्थिक नीतियां कौन कौन सी है, सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई है, आर्थिक नीतियों को लेकर क्या नीतियां आएगी आगे जाकर, मुद्राओं को लेकर क्या नीतियां है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। आर्थिक नियोजन, यानी आर्थिक नियोजन मतलब जिसे प्लानिंग करेंगे, आर्थिक नियोजन प्लानिंग से पंचवर्षीय योजना हो जाती है। आपने पंचवर्षीय योजना के बारे में सुना होगा, जैसे कोई सरकार आती है 5 साल के लिए या कोई सरकार होती है वो अपने कार्यकाल के शुरू में 5 वर्षीय योजनाएं बनाती है। यानी अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्हें क्या करना है इसके बारे में पहले से बताती है। तो कुछ योजना जो है पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है और उसके बारे में सबको बताया जाता है। तो यहाँ पे आर्थिक नियोजन में उन योजनाओं के बारे में बात हो रही है कि सरकार अपनी योजना बनाती है, बजट बनाती है, बजट के बारे में आपने सुना होगा, साल नया बजट निकलता है। तो ये भी आर्थिक पर्यावरण का हिस्सा है कि बजट कैसा है, बजट में क्या आया है, सरकार ने कहा कितना धन खर्च करने की बात की गई है, सरकार कहा कितना धन खर्चेगी, कहा किस जगह का ज्यादा विकास होगा, कहा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, किस जगह को ज्यादा विकसित किया जाएगा और कहा सरकार का फोकस रहेगा सुधारने के लिए, एजुकेशन में कितना खर्च करने वाली है, साफ सफाई पर कितना खर्च करने वाली है और व्यवसाय में कितना खर्च, व्यवसाय के ऊपर कितना पैसा देने वाली है उनके आर्थिक विकास के लिए। तो ये सारे जो तत्व है ये आर्थिक पर्यावरण के ही तत्व है। अब ढांचागत तत्व जैसे बैंक है, वित्तीय संसाधन है, परिवहन है, संदेश वाहन आदि। तो ये ढांचागत तत्व ऐसे जैसे बैंक वगैरह है, तो बैंक वगैरह की स्थिति कैसे चल रही है, वित्तीय संस्थान किस रेट पर लोन दे रहा है और कितने ब्याज लेना पड़ेगा कस्टमर्स को या उपभोक्ताओं को, बैंक किस दर पर ब्याज देगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगी और परिवहन की सुविधा है या नहीं, अगर परिवहन की सुविधा है तो कितनी सुविधा है, परिवहन सामान को ले जाने ले आने की कैसी सुविधा है। तो ये सब है, ये सारी जो सुविधाएं है इन सबको देखते हुए देश के जो आर्थिक पर्यावरण के बारे में पता लगाया जा सकता है। देश का आर्थिक पर्यावरण कैसा है ये इन सारे 4-5 पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनको देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि देश का आर्थिक पर्यावरण कैसा है। जैसे आज कोरोना काल में देश का आर्थिक पर्यावरण अच्छा नहीं है, काफी ऊपर नीचे हो गया है, बहुत गरीबी बहुत ज्यादा आ गई है, बेरोजगारी लोगों में आ गई है, लोगों की नौकरियां छीन चुकी है, बहुत सारे व्यवसाय में अपने आधे कर्मचारी को निकाल दिया गया है क्योंकि उनकी भी कमाई नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है, देश की आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी हिल गई है।
लेकिन सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसको वापस सुव्यवस्थित किया जा सके, इसके लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये आर्थिक सूचकांक है, जो रह गया टॉपिक आर्थिक सूचकांक, मतलब आर्थिक जो सूचकांक मतलब इंडेक्स होता है, कि इंडेक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या दर रखी गई है, इंटरेस्ट रेट की जो भी रेट है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये सारे जो पॉइंट है ये आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं या उसके तत्व ही है जिसके आधार पर हम आर्थिक पर्यावरण का पता लगा सकते हैं। अब आपके यहाँ बुक के चैप्टर में 1991 से पहले की बात बताई गई है कि उस समय जो कृषि जो 70% लोग जो है कृषि करते थे यानी खेती करते थे और 80% से ज्यादा लोग गाँव में रहते थे यानी गाँव में रहकर खेती ही करते थे, खेती का काम करते थे। उस समय की हालत भी थोड़ी अलग थी, उस समय भी बेरोजगारी थी लोगों में और जो लोग है अधिकतर गाँव में रहते थे, शहरों में तो बहुत कम लोग रहते थे, फैक्ट्री उस समय बहुत कम थी और जो स्वतंत्रता है व्यवसाय को करने की वो भी कम हुआ करती थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं और जो प्रोडक्शन जैसे उत्पादन जैसे कहते हैं उत्पादन भी बहुत लो टेक्नोलॉजी से किया जाता था, मतलब 1991 से पहले आधे से ज्यादा लोग खेती बाड़ी में रहते थे यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आया ही नहीं था, बहुत कम इंडस्ट्री वहां उस समय खुली हुई रहती थी और वहां पे जो प्रोडक्शन होता था वो भी लो टेक्नोलॉजी से ही होता था यानी निम्न उत्पादकता होती थी, निम्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उत्पादकता होती थी और उस समय बीमारियां जो बीमारी है वो भी काफी फैली हुई रहती थी, छुआछूत की बीमारी हो गई, इस तरह से बीमारियों से डेथ रेट जिसे कहते हैं मृत्यु दर वो भी काफी अधिक थी यानी लोग अधिक मरते थे, बीमारियां फैल जाती थी क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा ही नहीं थी, जो चारों तरफ जो स्वस्थ वातावरण होना चाहिए उस समय वैसा वातावरण नहीं था, लोग बीमारियों से अधिक मर रहे थे। तो ये जो सारी समस्याओं को हल करने के लिए इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार कई स्टेप उठा रही थी, कई जो योजनाएं बना रही थी लेकिन फिर भी विफल हो रही थी। सरकार ने काफी सारे कदम उठाए इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पा रही थी। 1991 के दौरान यानी 1991 के दौरान कृषि तो बहुत अच्छी हुई, खेती अच्छी फसल होगी लेकिन अच्छी फसल होने के बाद भी देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाया, देश का जो धन है बहुत कम हो गया, देश के पास जो विदेशी मुद्रा है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, देश ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट है, दिवालिया होने की स्थिति पर आ गया था क्योंकि देश के पास उसका खुद का खर्चा उठाने जितने भी पैसे नहीं थे। तो उस समय एक नया रेवोल्यूशन लाया गया यानी 1991 के दौरान एक नई योजना बनाई गई, एक नई नीतियां बनाई गई जो आपके बुक में भी दे रखी है और उसी को हम आगे पढ़ेंगे कि 1991 के दौरान जब देश की स्थिति खराब हो गई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने देश की नई नीति बनाई ताकि देश को ज्यादा संभाला जा सके, ताकि देश वापस किसी और देश का गुलाम ना बन सके। तो इसके लिए 1991 में नई पॉलिसीज बनाई गई, नई पॉलिसीज में तीन मेन चीजें रखी गई, एक तो है उदारता जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन जिसे कहते हैं प्राइवेट, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, और प्राइवेटाइजेशन में निजीकरण और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारता। तो ये तीनों को इन तीन तत्वों को लागू किया गया ताकि देश में जो व्यवसाय की हालत है वो काफी हद तक सुधर सके। लिबरलाइजेशन या उदारता का मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता देना। पहले जो 1991 से पहले व्यवस्थाओं को जो बिजनेसमैन है या बिजनेस करने वाले लोगों को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, क्या प्रोडक्ट बनाने हैं और उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी है यह तक सरकार डिसाइड करती थी, सरकार फैसला लेती थी कि व्यवसाय कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा और उसकी रेट क्या रखेगा। तो इस वजह से व्यवसाय जो है ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रहा था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर भी सरकार की काफी रोक हुआ करती थी, लेकिन 1991 के बाद व्यवसाय को स्वतंत्रता मिल गई कि वो कुछ भी प्रोडक्ट बना सकता है और किसी भी दाम पर बेच सकता है। बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी मुद्रा जो है विदेशी निवेश जो है तो उनको भी अलाउड किया गया, क्योंकि 1991 से पहले विदेशी निवेश अलाउ नहीं था क्योंकि देश की सरकार को लगता था कि फिर से कहीं देश गुलाम न बन जाए अगर विदेशी लोग निवेश करने लगे और एक दिन वो हमारा पूरा बिजनेस ही न छीन ले, इस वजह से स्वतंत्रता नहीं दी रखी थी। लेकिन 1991 के बाद सरकार ने इस चीज पर भी पाबंदी हटा दी, अब विदेशी जो
विदेशी निवेश जो है वो पूरा 100% अलाउड कर दिया गया है कि व्यवसाय में अब विदेशी निवेश भी लग सकता है, ताकि जिन व्यवसाय को पैसों की जरूरत है, विकास करने के लिए धन की आवश्यकता है, वो उस धन का लाभ उठा सके। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स है प्राइवेटाइजेशन में, जैसे प्राइवेटाइजेशन में था कि पहले जो सरकारी संस्थाएं थी, जो सरकार के अंदर आती थी, जो लॉस में चल रही थी, तो सरकार ने उन सारे को प्राइवेट कर दिया, यानी उनका निजीकरण कर दिया, खुद के आज उस सरकारी संस्था में से बाहर निकाल दिए और प्राइवेट वालों के लिए खोल दिए कि आप इन संस्थाओं को चलाएं अपने हिसाब से। तो यह करने से भी काफी हद तक लाभ हुआ, क्योंकि जो सरकारी संस्था पहले लॉस में जा रही थी, निजीकरण करने से वो फिर प्रॉफिट में भी जाने लगी। और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, इससे तो आप जानते हो कि देश विदेश से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होने लगा और निवेश भी होने लगा, ताकि जो व्यवसाय को और अवसर मिल सके खुद को विस्तार करने का, खुद को विकसित करने का। तो ये सारे कुछ नियम जो है या कुछ नीतियां जो है 1991 के बाद न्यू पॉलिसी या नई नीतियों में लागू की गई। सो जो भारतीय लोगों के सामने या भारत के सामने जो विदेशी मुद्रा का संकट आया, जो गंभीर व्यवस्था थी उस समय 1991 के दौरान, जहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा थी और लोगों के पास जो है इतना भी पैसा नहीं था कि अपनी जीविका चला पा रहे और देश की स्थिति खराब थी, तो उस समय 1991 में नई पॉलिसीज बनाई गई और उस आधार पर व्यवसाय को एक नया नजरिया मिला काम करने का। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, यानी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आए। इस नीति की मुख्य विशेषता, इस नीति की क्या विशेषता है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे कहेंगे कि नई जो नई नीतियां लेकर आए, उस नई नीतियों की क्या विशेषता है। सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसिंग के वर्ग में उद्योगों की संख्या घटाकर 6 कर दी, यानी जहां सरकार के पास सारे उद्योग थे जो जिस पर सरकार लाइसेंस देती थी तो वो कार्य कर पाते थे, सरकार ने अपना लाइसेंस जो है हटा दी कि अब मेरे व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बस कुछ 6 राज्यों पर ही, कुछ 6 राज्यों ने 6 उद्योगों पर ही अपने लाइसेंस की पाबंदी रखी, बाकी सारे उद्योगों को स्वतंत्र कर दिया। 6 लाइसेंस, एक तो पेट्रोल हो गया, इसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जैसे रेलवे वर्ग है और भी ऐसे 3-4 जो भी 6 होटल है इन पर लाइसेंस रखा गया और बाकी सब पर डी लाइसेंसिंग कर दिया गया, यानी लाइसेंस हटा दिए गए। अब कोई भी 1991 के बाद कोई भी व्यवसाय किसी भी चीज का बिजनेस कर सकता था। कई उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के निश्चित थे वे अब निजी क्षेत्र के खुले हैं। जो बहुत सारे क्षेत्र जो सार्वजनिक थे यानी जो सरकार के अंदर आते थे वो अब निजी क्षेत्र के लिए खुले हैं, यानी अब उसमें निजी क्षेत्र भी कार्य कर सकता है। यानी जो पेट्रोल जो पहले सरकार के अंदर ही आता था, जो पेट्रोल पंप्स है वो सरकार के अंदर ही आते थे, लेकिन सरकार ने इतना भी निजीकरण कर दिया, अब प्राइवेट पेट्रोल पंप भी खुले हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे संस्थान है जो सरकार के अंदर आते थे लेकिन उसका भी निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए उनके लिए उनके दरवाजे खोल दिए गए, यानी प्राइवेट सेक्टर आकर भी वहां पे बिजनेस कर सकता है, उस चीज का बिजनेस कर सकता है। इसके लिए जो सरकार ने जो भी लाइसेंस थे, जो भी उसके ऊपर पाबंदियां थी वो हटाकर उनको स्वतंत्र कर दिया है। सरकारी संस्थानों को जो उद्योग सरकारी संस्थानों के अंदर आते थे वो उनसे अपने हाथ हटा लिए और निजीकरण के लिए दरवाजे खोल दिए। निजीकरण भी उस तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप का मैंने एग्जाम्पल दिया, जो पेट्रोल पंप सरकार के अंदर आते थे लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर भी जो है ये पेट्रोल पंप खोल सकते हैं और खुले भी है। उन्होंने आज तो आप देख रहे होंगे प्राइवेट सेक्टर कितने सारे पेट्रोल पंप से सरकार ने इन सब प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोले हैं। विनिवेश को कई सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों में लागू कर दिया गया। विनिवेश यानी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जहाँ जहाँ उद्योगों में सरकार ने अपना पैसा लगा रखा था, यानी जिस जो जो जगह सार्वजनिक थी यानी पब्लिक थी, जहाँ सरकार का पैसा लगा हुआ था, सरकार ने अपना पैसा वहां से निकलवा दिया ताकि प्राइवेट सेक्टर वहां पे आ सके। यानी बहुत सारे संस्थान है जो लॉस में चल रहे थे, सरकार उनको ढंग से चला नहीं पा रही थी और देश की अर्थव्यवस्था
कारण वो बंद होने की कगार पर थे, तो सरकार ने उनमें से अपना हिस्सा निकाल लिया, अपने पैसे को निकाल लिया ताकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आकर अपने पैसे लगाए और उसको चलाए। प्राइवेट जैसे आप देखोगे कि सरकारी जो टीचर्स होते हैं या सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत आलसी होते हैं और ढंग से कार्य नहीं करते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं वो अधिक कार्य करते हैं पर भी उनको सैलरी कम मिलती है, लेकिन वो ज्यादा कार्य करते हैं और उन पर जो बॉस की जो बॉस का जो दर होता है वो अधिक होता है। जबकि सरकारी कर्मचारी को पता होता है कि एक बार नौकरी लग गई तो फिर उनको कोई निकाल नहीं सकता, तो वो आराम से कार्य करते हैं आलसी होकर और बहुत मुश्किल से कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी को नौकरी से बाहर निकाले जाने का डर होता है। तो इस तरह से सरकार ने भी यही सोचा कि जो कर्मचारी अभी कार्य नहीं कर रहे अगर हम उस क्षेत्र को अगर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे यानी वहाँ पे निजीकरण कर देंगे तो वो कर्मचारी भी कार्य करने लगेंगे। तो इस वजह से ही वहाँ पे सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में भी निवेश कर दिया और वहाँ पे औद्योगिक उद्यमों में लागू कर दिया गया ताकि निजीकरण यानी प्राइवेट सेक्टर में आकर कार्य कर सके। विदेशी पूंजी की नीति को उदार बनाया गया है, विदेशी पूंजी का भी वेलकम किया गया। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है देश में अलाउ नहीं था, लेकिन नई नीतियों के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी यानी विदेशी निवेश को भी अलाउ किया गया, क्योंकि विदेशी लोग भी हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं में पैसा लगा सकते हैं और हमारे यहाँ पर वो किसी भी व्यवसाय में पैसा लगाकर बिजनेस कर सकते हैं। कई कई जगहों पर 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अलाउ किया गया ताकि विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ सके। ये सारा इसलिए किया गया ताकि विदेशी मुद्रा विदेशी निवेश में इसलिए अलाउ किया गया ताकि विदेशी जो मुद्रा है वो हमारे देश में आ सके। 1991 के दौरान जो है विदेशी मुद्रा देश की बात नहीं थी, देश अगर किसी दूसरे देश से कोई चीज मंगवाना चाहता था तो उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं थी कि वो किसी देश से मंगवा सके, इसलिए उस समय ये सोचा गया कि क्यों ना विदेशी पूंजी को भी हमारे देश में अलाउ किया जाए ताकि हमारे विदेशी मुद्रा का फायदा उठाया जा सके। तो ये जो चार पॉइंट है मैंने अभी आपको समझाया कि कहना था कि अनिवार्य लाइसेंस के लिए जिस पर लाइसेंस की आवश्यकता बहुत ज्यादा है उसी के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, बाकी सबको फ्री कर दिया जाए, बाकी सबके लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, डी लाइसेंस से उनको कर दिया जाए ताकि व्यवसाय आराम से बिजनेस कर पाए यानी उद्योग आराम से बिजनेस कर पाए। कई उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के निश्चित थे, बहुत सारे जो क्षेत्र थे सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आते थे उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया यानी उनका निजीकरण कर दिया गया। विनिवेश को कई सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों में लागू कर दिया गया, ये वाला मैंने बताया। जैसे सरकार ने जिस इन्वेस्टमेंट कर दिया यानी जहाँ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट लगा रखा था सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल दिया और उस जगह को भी पब्लिक को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया और विदेशी पूंजी को भी उसका भी स्वागत किया गया, विदेशी पूंजी को भी अलाउ कर दिया गया ताकि विदेशी पूंजी देश में आने से बाकी जो व्यवसाय को धन की या पूंजी की आवश्यकता है उनकी कमी पूरी हो जाए और वो व्यवसाय कर पाए। तो फिर ड है यानी पांचवा, विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौते के लिए स्वचालन की छूट देगी। इसमें कहा गया है कि ऑटोमेटिक परमिशन यानी अब सरकार ने क्या कर दिया यहाँ पे ऑटोमेटिक परमिशन दे दी यानी व्यवसाय को विदेशी कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट कर सकता है यानी जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी एग्रीमेंट है वो खुद कर सकता है, इसके लिए सरकार के परमिशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे भी इस चीज को फ्रीडम दे दी गई या स्वतंत्रता दे दी गई कि प्रौद्योगिकी समझौते के लिए यानी जो टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट है टेक्नोलॉजी का जो आदान प्रदान है उसके लिए वो विदेशी कंपनियों के साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इसके लिए बीच में सरकार परमिशन की आवश्यकता नहीं है। भारत में विदेशी निवेश के प्रवर्तन एवं उसके प्रचालन के लिए विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड की स्थापना की गई। अब विदेशी निवेश में बदलाव के लिए विदेशी निवेश के लिए एक नया बोर्ड बनाया गया, एक नए बोर्ड की स्थापना हुई जिसका नाम है विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ये फिफा में FIPB का, और यह बोर्ड की स्थापना की गई ताकि विदेशी निवेश के प्रवर्तन यानी विदेशी निवेश में जो भी बदलाव होता है एवं उसके प्रचारण के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई ताकि इस विदेशी निवेश को संभाल सके और उसका हिसाब किताब रख सके, इस तरह से इस बोर्ड की स्थापना की गई। तो ये कुछ इस विशेष प्रकार विशेषता है कि इस नीति की
बाद इन नीतियों को बनाने के बाद व्यवसाय जो है काफी स्वतंत्रता हो गया, यानी कोई भी व्यवसाय या कोई भी उद्योग काम करने के लिए स्वतंत्र हो गया। एक तो लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ी इसको, छोटे मोटे जगह छोटे मोटे उद्योग के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और सार्वजनिक क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में बदल गया, तो प्रॉफिट ज्यादा होने लगा, जो सेक्टर लॉस में जा रहे थे अब वो भी प्रॉफिटेबल हो गए, यानी वहां पर प्रॉफिट कमाया जाने लगा। तो इस तरह से अब ग्लोबल बात हुआ, जो विदेशी निवेश है वो भी इंडिया में आने लगा, वो भी भारत में आने लगा। तो वो भी मुद्रा आने से जो विदेशी मुद्रा का जो लॉस हो रहा था, विदेशी मुद्रा में जो कमी थी उसकी भरपाई भी हो गई। और बाहर से पहले कंपनी आने की वजह से यहाँ के लोगों को भी नौकरियां मिलने लगी, रोजगार मिलने लगे। तो इस तरह से ये सारी नीतियों ने देश को काफी हद तक संभाल लिया। और उसके बाद जो है वापस ऐसी कभी स्थिति नहीं आई कि देश इतना ज्यादा नीचे चला जाए। तो ये जो नीतियां थी, जो नीतियां बनाई गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे कहेंगे 1991 में बनाई गई, ये देश के लिए काफी अच्छी और सफल साबित हुई। तो इस नीति ने तीन मेन कार्य किए, यानी स्थिति में तीन प्रमुख कार्य आते हैं। एक तो औद्योगिकरण, दूसरा निजीकरण और वैश्वीकरण। जो विशेषताएं थी इस नीति की वो तीन ही इस तीन चीजों पर डिपेंड करती है। उदारीकरण मतलब स्वतंत्रता होती है या डी लाइसेंसिंग, जिसे हमने पढ़ा था डी लाइसेंसिंग वाला उससे है। तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, यानी जिसे फ्रीडम कहते हैं। लाइसेंस प्रणाली के बंधन से उद्योग को मुक्त कर दिया, यानी जहाँ लाइसेंस सरकार हर जगह लाइसेंस उद्योग में मांगती थी, अब वहाँ पे लाइसेंस की आवश्यकता है कि कम कर दी। अब व्यवसाय शुरू करने से लेकर खत्म करने तक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो लाइसेंस हटा दिया, कुछ 6 क्षेत्रों पर लाइसेंस को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्रों पर लाइसेंस सरकार ने हटा दिया इस नीति के माध्यम से। दूसरा है निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बड़ी मात्रा में कम कर दिया, यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए गए। जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र थे, ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर थे, अब उसको सब जगह प्राइवेट सेक्टर कर दिया, ताकि वहाँ पे जो संस्थाएं लॉस में जा रही है वो भी प्रॉफिट की स्थिति में आ सके। तो निजीकरण कर दिया गया, जैसे इंग्लिश में कहेंगे प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए ग्लोबलाइजेशन किया गया, यानी फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट आ सके, विदेशी कंपनियों के साथ भी हमारी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कर सके, विदेशी कंपनियां यहाँ आकर काम कर सके। तो इसके लिए वैश्वीकरण किया गया है, ग्लोबलाइजेशन किया गया, जो कि 1991 से पहले तो अलाउ बिल्कुल भी नहीं था कि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ काम करे या विदेशी कंपनियां यहाँ आकर पैसा लगाए, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। लेकिन 1991 की पॉलिसी के बाद ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से विदेशी कंपनियों ने भी अपना पैसा भारत में लगाना शुरू किया और यहाँ पे व्यवसाय करना शुरू कर दिया। तो ये सब प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन करने के लिए किया गया। ये तीनों जो उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण किया गया, ताकि व्यवसाय स्वतंत्र होकर काम कर सके और अच्छे से काम कर सके, ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके। अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई नीति जो है उसके तीन मेन प्रमुख तत्व है, उसका पहला है उदारीकरण। तो आज उदारीकरण को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका लक्ष्य भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग की अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से मुक्त कराना था। इसका मेन लक्ष्य यही था कि जो उद्योग है उस पर लगे अनावश्यक जो अनावश्यक नियंत्रण है या जो प्रतिबंध है उनको हटाना था। जो सरकार के नियम जो स्वतंत्रता को कम करते हैं, ऐसे नियम जो स्वतंत्रता को कम करते हैं, उन सारे नियमों को हटाने से था। अब उद्योगों पर जो है उस समय 1991 के बाद उद्योगों पर अनावश्यक सरकार का नियंत्रण नहीं रहा और न ही उस पर कोई भी प्रतिबंध था। वो स्वतंत्र रूप से होकर कार्य कर सकते थे, उद्योग कर सकते थे, अपनी नई नीतियां बना सकते थे उद्योग को लेकर, उस पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। तो इसमें उनको फ्रीडम मिल गई। लाइसेंस और उदारीकरण के संबंध में ये सारे कार्य हुए हैं। तो ये पहला है लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना, यानी पहले जिस सारे उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी, तो अब वो
लाइसेंस की आवश्यकता कोई समाप्त कर दिया बस कुछ क्षेत्र को छोड़कर बाकी हर जगह लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया, यानी कोई भी व्यवसाय कभी भी बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। इसके लिए सरकार की आवश्यकता की ज्यादा जरूरत नहीं है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी बिजनेस शुरू कर पाएगा कुछ क्षेत्र को छोड़कर। व्यवसायिक कार्य के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, यानी व्यवसायिक कार्य बिजनेस से जुड़े हुए जो भी कार्य है, जो भी निर्णय है, उसको लेने की एक मालिक को फ्रीडम थी, यानी जो बिजनेस ओनर है, जो बिजनेस में खुद है, जिसका उद्योग है, उसको कार्य को लेकर जो भी करना है, उसको विस्तार करना है या जैसे विस्तार करना है या संकुचन करना है, इसको लेकर जो भी निर्णय होंगे वो खुद मालिक लेगा, उसमें और किसी की हस्तक्षेप नहीं होगी। तो यहाँ पे व्यवसाय कार्य के निर्णय लेने की पूरी पूरी स्वतंत्रता उन उद्योगपतियों को दे दी गई। वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य के निर्धारण की स्वतंत्रता, जो वस्तु बनाते हैं वो उस पर अपना प्राइस फिक्स कर सकते हैं, अब उसमें सरकार अपना प्राइस फिक्स नहीं करेगी। जो भी प्राइवेट सेक्टर है या कोई भी उद्योग वाले हैं वो अपनी वस्तु बना कर उसमें अपना प्राइस ले सकते हैं, उसके लिए आप किसी चीज की लाइसेंस की या कोई भी प्रतिबंध नहीं है प्राइस लगाने में, कोई भी अपनी वस्तु का कितना भी प्राइस लगा सकता था, अब इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा आगे से। तो इसमें भी इनको स्वतंत्रता मिल गई, यानी मूल्य के निर्धारण करने में भी उनकी स्वतंत्रता थी जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। वस्तु एवं सेवाओं के स्थानांतरण प्रतिबंध को हटाना, वस्तु एवं सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह प्रदान करने के लिए जो प्रतिबंध लगे थे, जो रुकावटें थी, उनको भी हटा दी गई। यानी पहले एक वस्तु दूसरी जगह दूसरे राज्य में जाती थी तो टैक्स कितना लगेगा, टैक्स की और लाइसेंस लाइसेंस दूसरी जगह परमिशन चाहिए होती थी कि एक वस्तु दूसरी जगह जा सकती नहीं, इसके लिए पहले परमिशन हो, उसके बाद परमिशन लेने के बाद सरकार से परमिशन लेनी, उसके बाद उसको किस वाहन से लेके जाना है, लेके आना है, इन सब में काफी प्रतिबंध हुआ करते थे, काफी सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन नई नीति आने के बाद वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना मुश्किल नहीं हुआ, इसमें सरलीकरण हो गया, कोई भी कहीं भी अपनी वस्तु को बेच सकता है और वहां से खरीद सकता है। कर की दरों में कमी, पहले टैक्स रेट जो बहुत हाई हुआ करती थी, अब टैक्स रेट बहुत कम हो चुकी है। आयात निर्यात की प्रक्रिया में सरलीकरण, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पहले करना जितना मुश्किल था, अब नई पॉलिसी आने के बाद वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। भारत में विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी आकर्षित करने के लिए सरल बनाना, भारत में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सारे अधिक नियम जो कानून जो कठोर नियम कानून थे वो सारे हटा दिए गए, सरलीकरण कर दिया गया ताकि आराम से विदेशी पूंजी हमारे भारत में आ सके और विदेशी पूंजी हमारे व्यवसाय में लग सके, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारे कंपनियों में भी लगे, देश की कंपनी में लगे, इसके लिए सारे कठोर नियम कानून हटा दिए गए। तो उदारीकरण आने से ये उदारीकरण कुछ नियम है उस संबंध में जो नियम बनाए गए, ये है वो नियम जिसकी वजह से व्यवसाय को काफी स्वतंत्रता मिल गई काम करने के लिए। बाकी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हमने उदारीकरण के बारे में पढ़ा, यानी उदारीकरण का मतलब था लिबरलाइजेशन जिसे स्वतंत्रता कहते हैं, उद्योग वालों को काम करने के लिए स्वतंत्रता दी गई ताकि वो आराम से काम कर सके, व्यवसाय कर सके और लाभ यानी प्रॉफिट कमा सके। अगर सारे व्यवसाय प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट भारत में रहेगा और बाकी लोगों के भी काम आएगा। तो पहले जो लोग व्यवसाय करने से डरते थे, उद्योग खोलने से डरते थे, वो भी उद्योग खोलने लगे और इसकी वजह से देश में सभी लोगों को बेरोजगारी से मुक्त हो गए और रोजगार मिलने लगे। और तो बाकी का टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी आज उदारीकरण पढ़ा है, आप इसको नोट कर लेना और हो सकता है आपके पास बुक्स हो तो थोड़ा उससे भी पढ़ लेना।